I am Dr. Tarun Prayaraj. I am a senior consultant cardiologist at B.M. Birla Heart Research Center in Calcutta. Today I'll be talking about premature heart attack, which is one of the most common problem that we come across in our country, and more or less say around 10-15% increase in incidence in last 10 to 15 years in India. Now, what are the major risk factors? That is very important for all of us to know, because it's a preventable disease. If we know the risk factors, then we can prevent major problem in future. Like, for example, someone who has got a history of smoking. We all know the smoking is one of the major risk factors for coronary artery disease as well as for the lung disease. So once you stop smoking, the incidence of heart attack will decrease by almost 50% within a year. So smoking is one of the major risk factors, and this is a preventable risk factors. Number two is high cholesterol. Many of us, we have high cholesterol, we don't know that our cholesterol is high. That's why it is always important that we should have a routine lipid profile examination on, say, regular basis every 6 months to see whether cholesterol is normal or high. If cholesterol is always on the higher side, say more than 200, then we know that various trials have shown if the cholesterol is more than 200, or in LDL, that is known as bad cholesterol, if it is more than, say, 100, the chances of premature blockage in the coronary artery is very, very high. So we have to know that these are the common risk factors, like high cholesterol, high sugar. This can be controlled provided we have a regular checkup. ये हो गया. तीन नंबर है जैसा obesity. Obesity माने मोटापा होना. If you are obese, the chances of you getting high blood pressure, obesity से premature arthritis and diabetes और premature heart attack होने के chances बढ़ जाता है. हमारे इंडिया में incidence of obesity is gradually going up. There was one study done among school children. They have found around 20-25% increased number of obese children in today's world. Like, for example, आज से 20 साल पहले जो बच्चे लोग को ओबिसिटी नहीं होती थी, उतने मोटापा नहीं था, लेकिन आज के दिन में बच्चे लोग में ओबिसिटी ज़्यादा बढ़ने लगा है. एंड ये ओबिसिटी से प्रीमैच्योर प्रॉब्लम होने लगा है, जिस तरह से डायबिटीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस बढ़ जाता है. और उनको ये सब प्रॉब्लम को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. उनकी डाइटरी हैबिट को चेंज करना चाहिए. उनकी डाइटरी हैबिट में जो फास्ट फूड खाते हैं या फ्राइड फूड खाते हैं, वो चेंज करना चाहिए. और साथ साथ में रेगुलर एक्सरसाइज को हम लोग को एजुकेट करना चाहिए. फ्रॉम द स्कूल कॉलेज में बच्चे लोग को हम लोग को ये सिखाना है कि उनकी एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द करिकुलम, बिकॉज दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी कैन प्रिवेंट ओबिसिटी. नंबर फोर है हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हाइपरटेंशन के कारण से सेरिब्रल स्ट्रोक होता है. सेरिब्रल स्ट्रोक मीन्स ब्रेन में स्ट्रोक होना. ये हमारे ब्लड प्रेशर के कारण ही होता है. सो वी शुड हैव ए रेगुलर बीपी चेकअप फ्रॉम यंग एज. स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री में हाई ब्लड प्रेशर है, तो हमको बचपन से फ्रॉम एज ऑफ 30-35 वी शुड हैव रेगुलर बीपी चेकअप. क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं होता है, तो आगे चल के सेरिब्रल स्ट्रोक या हार्ट फेल्योर या किडनी फेल्योर या आँख में प्रॉब्लम होना, ये सब होता है. सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ यू डोंट हैव फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो, यू शुड हैव रेगुलर बीपी चेकअप. कीप इट विद इन नॉर्मल रेंज. नॉर्मल रेंज क्या होता है? 120-80. दिस इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर. नाउ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, आज के दिन में यंग जनरेशन में मैं देखता हूँ कि बोल लोग को ब्लड प्रेशर हाई होने शुरू किया है, बट दे डोंट हैव एनी सिम्टम्स. सो अगर सिम्टम नहीं होता है, देन देर इज़ ए ऑलवेज चांस ऑफ यू गेटिंग प्रॉब्लम इन फ्यूचर. सो टू अवॉइड, वन शुड हैव रेगुलर बीपी चेकअप फ्रॉम यंग एज, फ्रॉम एज ऑफ 30-35. साल में 2-3 बार करके बीपी चेक करके देखना चाहिए, रूटीन चेकअप करना चाहिए कि बीपी हाई हो रहा कि नॉर्मल. क्योंकि ये अगर नॉर्मल रहता है, तो हम लोग हार्ट अटैक के हाथ से बच सकते हैं, सेरिब्रल स्ट्रोक से बच सकते हैं, किडनी फेल्योर से बच सकते हैं, आई का प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं. तो हाइपरटेंशन वन ऑफ द मेजर प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर. और इसके साथ साथ है सेडेंटरी लाइफस्टाइल. जो हमेशा काम करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनमें देखा गया कि हार्ट की प्रॉब्लम कम होती है. और अगर जो हमेशा सुस्ती जीवन धारण करते हैं, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दिया है. स्ट्रेस एंड स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर. आज के दिन में टेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है ऑफिस में या घर में या
कहीं भी लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं और स्ट्रेस के कारण से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और प्रीमैच्योर हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है. स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर एंड दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करना या मेडिटेशन सीख लेना. इससे हम लोग स्ट्रेस कम कर सकते हैं एंड वी कैन प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम. एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस इज डायबिटीज. देर इज ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज इन प्री मैच्योर डायबिटिक इन आवर कंट्री इवन विदाउट फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री हो तो डायबिटीज़ की इंसिडेंस ज़्यादा है. अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी हो फिर भी हम देखते हैं प्री मैच्योर प्री डायबिटिक कंडीशन हम लोग जो कहते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन हमारे इंडिया में बढ़ चुकी है. ऑलमोस्ट 20% राइज किया है. तो इसीलिए हमें शुरू से पेशेंट को हमारा डायबिटीज़ को अगर शुरू से फ्रॉम एज ऑफ 30-35 अगर इफ़ वी कैन हैव ए रेगुलर शुगर चेकअप देन वी कैन प्रिवेंट प्रीमैच्योर डायबिटिक प्रॉब्लम. उससे हम लोग हार्ट को बचा सकते हैं और काफ़ी ऑर्गन जो डायबिटीज़ कारण डैमेज हो रहा है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है फिर भी हम लोग को शुगर रेगुलर चेक करना चाहिए फ्रॉम द एज ऑफ 30-35 क्योंकि ये हमारे इंसिडेंस इंडिया में काफ़ी बढ़ चुका है. ऑन इन कंक्लूजन मेरे बोलने का मतलब यह है कि दीज आर ऑल प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स. स्मोकिंग हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, डायबिटीज़ हुआ, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हुआ, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हुआ, ये जो सब रिस्क फैक्टर है इसको हम लोग कंट्रोल में रखेंगे तो हम लोग अपने आप को हार्ट अटैक के हाथ से और बहुत सारी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं.